आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को जो है घर घर तिरंगा योजना में जो है वो शामिल होने के लिए कहा है। उस सिलसिले में पूरे देश भर में घर घर तिरंगा को लेकर तैयारियां जो है वो साफ तौर पर शुरू हो गई है और ऐसे में मुंबई से भी कई सारी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में हम मुंबई के भाईकला के एक फैक्ट्री में मौजूद है जहां पर भारत का तिरंगा जो है वो बनाया जाता है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से भारत का जो तिरंगा है उसे बनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। इस साल जो है हर साल के मुकाबले जो है ऑर्डर काफी ज्यादा आ रहा है, जिसके चलते जो तैयारियां हैं, जो झंडा तिरंगा बनाने की जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से शुरू हुई। आप साफ तौर पर इस फैक्ट्री की तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाले लोग लगातार जो है वो तिरंगा बनाते नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो तिरंगा बनाने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कई सारे जो तिरंगे हैं वो पड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरी योजना में जो है बीएमसी ने भी जो है वो साथ दिया है और इस साल बीएमसी जो है 50 लाख से ज्यादा जो तिरंगे हैं वो बांटने वाली है लोगों में। देखिए मुंबई की कई सारी सोसाइटियां जो है वहां पर बीएमसी जो है वो तिरंगे देगी, यानी कि 35 लाख से ज्यादा सोसाइटी में जो है वो तिरंगे बांटे जाएंगे। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री में किस तरीके का जो काम है वो लगातार शुरू है। लगातार जो तिरंगा बनाने का काम है वो यहाँ पर जोरों शोरों से किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो घर घर तिरंगा की योजना है उसके तहत बीएमसी की तरफ से इन लोगों को काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि सारी जो सोसाइटीज है उसमें जो है बीएमसी जाकर तिरंगा बांटेगी। सोसाइटी ही नहीं, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, तो इस 15 अगस्त को जो है सारी सोसाइटीज, अस्पताल, जितनी भी सारी इमारतें हैं उस पर जो है भारत का तिरंगा लहराता नजर आएगा, घर घर में जो तिरंगा है वो नजर आएगा। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना के चलते काफी जोरों शोरों से पूरे देश भर में तैयारियां शुरू हुई। आप साफ तौर पर यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर यहाँ के जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री के वो लगातार यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन का वक्त है, क्योंकि 7 तारीख के बाद से बीएमसी जो है वो भारत के तिरंगे जो है वो लोगों को बांटना शुरू करेगी, जिसके तहत जो ऑर्डर्स है इस साल वो काफी ज्यादा जो फैक्ट्री में जो तिरंगे बनते हैं उन्हें इस साल बाकी साल के मुताबिक जो है वो काफी ज्यादा ऑर्डर जो है वो मिले हैं। तो आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ जो काम है वो काफी जोरों शोरों से चल रहा है। 35 लाख से ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो आए हैं और साफ तौर पर 50 लाख से ज्यादा जगहों पे जो है वो बीएमसी तिरंगा बांटेगी। हमारे साथ ज्ञान शाह जी हैं, मुझसे जानेंगे। देखिए इस साल पूरा देश अमृत महोत्सव बना रहा है आजादी का और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना शुरू की है घर घर तिरंगा, तो उसके इम्पैक्ट आपको कितना इस फैक्ट्री में नजर आ रहा है? मैम एक्चुअली हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि इतना ज़्यादा डिमांड कभी तिरंगे के लिए हो सकता है, और क्योंकि नॉर्मली जितने कोविड के पहले जब भी हमको डिमांड्स थी तभी कुछ हज़ारों में थी, लाइक मे बी 3,000-5,000 ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे यूजुअली होता है, और इस बार अभी लाखों में है, लाखों करोड़ों में भी है, तो बहुत ही ज़्यादा फर्क है इस बार जी। कहाँ से आपको कॉल आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर बीएमसी जो है वो भी इस योजना में कई सारे घर घर जाके तिरंगा बांटने वाली है, तो बीएमसी की तरफ से क्या कोई ऑर्डर आया है, क्या कुछ है, कितने लोगों के कॉल आ रहे हैं आपको? हमें नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऑर्डर है 75,000 पीसेस का, और हमने बीएमसी को कमिट किया था 5 लाख पीसेज डिलीवरी करने का, तो वो आई थिंक शायद वो उन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस में, मतलब उनका रिक्वायरमेंट 35 लाख का था जिसमें से, और वो उनको डिलीवरी टाइम बहुत ही शॉर्ट थी जी। तो हमने 5 लाख का तो कमिटमेंट दिया था हम आपको, उनको डिलीवर करेंगे, उसमें से अभी तक उनका फाइनल कॉन्फर्मेशन आया नहीं है जी। तो जैसे तो मतलब इस साल का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बेहतर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि आप कितने साल से पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं और अब तक क्या इतने बड़े ऑर्डर्स आपको आज तक कभी मिले हैं? इतने बड़े मतलब हमें इन द सेंस क्वालिटी जो उनको क्वांटिटी में चाहिए इतने बड़े क्वांटिटी में कभी लगी नहीं है, बट ऑर्डर्स तो सभी साइजेस हम के, मतलब हम गाड़ी से लेके बड़े जायंट फ्लैग्स जो लगते हैं वो सब सभी साइजेस के बनाते हैं, और सॉरी मुझे ये बताइए कि कैसे तैयारियां जो है काफी है, बिजी है सारे लोग, लगातार जो तिरंगा बनाने का काम है वो यहाँ पर लगातार शुरू है, तो कितना हेक्टिक हो गया और कितनी जल्दी डिलीवरीज है उसे पूरी करना है? तो एक्चुअली मुझे इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी मिनट कॉल्स आ रहे हैं और इंक्वायरीज आ रही है तो, कि उनको हर एक जगह पे, मतलब सोसाइटीज हो गया या तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए,
सबको झंडे की रिक्वायरमेंट है, तो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही है और दिन रात हम यहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितना हम डिलीवर कर पाए वो कर सके हम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं मुंबई ही नहीं, मुंबई के बाहर से भी जो है वो तिरंगे के ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं। दिन रात फैक्ट्रीज में जो है वो तिरंगा बनाने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप तस्वीरों से ही साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जो ऑर्डर है वो इन्हें मिल रहा है। और इनका कहना यह है कि बीएमसी को 35 लाख से ज्यादा जो है वो तिरंगों की जरूरत थी। तो साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 लाख जगहों पर जो है भारत का तिरंगा जो है वो आता नजर आएगा। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के तिरंगे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। ये जो ऑर्डर्स हैं उन्हें प्लेस करना बाकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो घर घर तिरंगे की योजना है वो लगातार जो है उसकी पहल में लोग यहाँ पर शामिल होते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत हर साल के मुकाबले इस साल जो है वो तिरंगों का ऑर्डर काफी ज्यादा आ रहा है। और इस साल पूरा देश जो है 15 अगस्त को अमृत महोत्सव यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव बनाएगा। और उसके तहत ये जो प्रधानमंत्री मोदी की नई पहल है घर घर तिरंगा, तो साफ तौर पर इस 15 अगस्त को सारे घरों में सारी इमारतों पे जो है भारत का तिरंगा लहराते नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वसंत के साथ श्रेया दुबे, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।